मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ सिविल्स, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हमें यहाँ से रीड करना था डिग्निटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, डिग्निटी क्या होता है? सबको सम्मान देना और अपना स्वयं का सम्मान भी, और इक्वालिटी मतलब समानता। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट। सारे ह्यूमन बींग्स जो है फ्री हैं और उनको अधिकार है अच्छे से जीने का, अपने सम्मान का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज स्पेशल फेवर टू वुमेन। अब क्या हो गया, बहुत सारे कानून बन गए नए नए और हमारे संविधान में ऐसे कानून बने हैं कि औरतों को अलग से अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 15 मेक्स अ स्पेशल प्रोविजन इनेबल द स्टेट टू मेक अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमन। कि अब जो है 15 के आधार पर क्या किया गया, आर्टिकल 15 के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में, कि औरतों के प्रति कोई भेदभाव ना हो। अबव ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन थ्रू आर्टिकल 15A टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। की महिलाओं का सब लोग सम्मान करें, 15A में ये जो है लिखा गया है। वेरियस लेजिस्लेटिव मीजर्स हैव बीन डिजाइन टू रीइन्फोर्स द प्रोविजन इंश्योरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनेक्टेड सेवरल लेजिस्लेशंस टू सेफगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। Besides protecting against social discrimination, violence and atrocities and also preventing from social evils like child marriage, dowry, practice of sati. हमेशा से क्या होता है बच्चों, औरतों के साथ भेदभाव होता है। ठीक है, सती प्रथा क्या होती थी, जिसमें लेडी अगर क्या होता था पहले, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े आदमी के साथ छोटी छोटी बच्चों की शादी कर दी जाती थी। और वो बूढ़ा तो ऑब्वियसली जल्दी मरेगा ही, बूढ़ा आदमी, तो जब वो मर जाता था तो उसके साथ ही, कि अब इसको कौन रखेगा, इसकी बीवी को, तो उसके साथ ही उसकी चिता पर उस जिंदा औरत को भी बिठा दिया जाता था। ठीक है, और उसके साथ ही वो जल जाती थी। ठीक है, वो आदमी तो मरा ही होता था लेकिन उसको जिंदा जला दिया जाता था। इस चीज़ को सती प्रथा कहते थे। बहुत सारे लोग हुए जैसे कि राजा मोहन राय, ये सब इन्होंने जा करके इससे हमें छुटकारा दिलवाया। तो अब इसके लिए बाउंडेशन कर दी गई कि बिल्कुल नहीं होगी, डाउरी यानी कि दहेज नहीं लिया जाएगा। दहेज के चक्कर में बहुत सारी औरतें जो है मर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ससुराल वाले उन्हें परेशान करते हैं। कई बार क्या होता है, घर के लोग ही मार देते हैं अपनी बेटियों को कि बड़ी होगी तो हमें इसका दहेज देना पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा। तो इस चीज़ को लेकर के भी लड़कियों को जो है बहुत ज़्यादा समाज में नीचे रखा जाता था। लेकिन अब संविधान में ये सब रूल बना दिए गए हैं कि अब ये सब ना हो। ठीक है, चाइल्ड मैरिज क्या होता था बच्चों, बाल विवाह, जो छोटे ही होने पर उनकी शादी कर दी जाती थी, तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज। आगे देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड कास्ट एंड सब कास्ट टू डिटरमाइन दोज डिजर्विंग रिजर्वेशन एंड एजुकेशन एंड जॉब्स। द गवर्नमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। अब क्या हो गया, आपने देखा होगा कि जो भी नीचे जातियाँ और जनजातियाँ हैं, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स हैं, ठीक है, उसमें क्या कर दिया गया है, जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेज हों ओबीसी यानी कि जैसे मुस्लिम, उनके लिए एक अलग से कोटा रख दिया गया है हर चीज़ में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो स्कूल्स में हो, अच्छे अच्छे स्कूल्स में, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो, कोटा रख दिया गया कि इतने परसेंट जॉब्स इन चीज़ इन लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, बाकी अगर बचे तो वो जनरल वालों को दे दी जाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी अच्छी करी गई। रिकॉग्नाइजिंग द स्पेशल नीडेड ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड सर्टेन स्पेशल सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट दीज कम्युनिटीज़ फ्रॉम ऑल पॉसिबल एक्सप्लोटेशन एंड थस इंश्योर सोशल जस्टिस। एक्सप्लोटेशन क्या होता है बच्चों, अत्याचार करना, जो बड़े लोग इन पे करते थे, बड़ी जातियों वाले लोग इन पे करते थे, ऊंची जातियों वाले। तो अब इस चीज़ से क्या हो गया कि एक सेफ गार्ड हो गया, यानी कि अब जो है ऊंची जातियाँ इनके साथ एक्सप्लोटेशन नहीं करेंगी। ठीक है, आर्टिकल 15(4) enjoys upon the state to make a special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes. Article 16, ठीक है, 15(4) किसके लिए बनाया गया है, ताकि जो भी बैकवर्ड क्लासेज है उनको पढ़ाई को लेकर के उनकी कोई दिक्कत ना आए, उन्हें पढ़ाई लिखाई पूरी मिले। ठीक है, उनको फ्री बुक्स वगैरह भी दी जाए, फीस ना ली जाए। आर्टिकल 16(4) empowers the state to make provision for reservation and appointment in favor of any backward classes of citizens. ठीक है, backward classes जो है नागरिक के, उनके लिए पहले से रिजर्वेशन और हर चीज़ में वो empower करता है। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज एंड टू स्पेसिफाई दोज ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह हो गए उनको लेकर के पूरा इंश्योर करता है, और ये भी चेक करता रहता है, इन्वेस्टिगेट करते रहना भी उनका उनकी ड्यूटी है कि कोई भी चीज़ जो है उनको परेशान ना करे, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में वो लोग आगे रहें। तो बच्चे ये केस स्टडी है डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में, ये आप लोग खुद से रीड करेंगे। ठीक है, आपको चैप्टर में रीड करके समझा देती हूँ, लेकिन आपकी भी खुद से ड्यूटी होनी चाहिए कि आप भी चैप्टर को पढ़ के कुछ समझें। तो चैप्टर को तो एक बार और रीड करना ही करना है, साथ में आपको ये रीड करके भी समझना है कि आपको कितना समझ आया। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है बच्चों।